एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आप सब कैसे हो आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सो so, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आज अपलोड कर दूँगी सो so, ये मेकअप लुक आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हो मतलब इंडियन ड्रेस पे एंड अगर ये लुक आप किसी फेस्टिवल या फिर तीस त्यौहार में करोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं मैंने सबसे पहले गुड वाइफ्स का सीरम अप्लाई किया था पूरे फेस पर मेरे फेस पर उस वक्त कुछ नहीं था उसे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्वेट होती है मेरी फेस पे अगर मैं कुछ अप्लाई नहीं करूँ तो तो सबसे पहले मैंने उसे अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके उसके बाद मैंने एन वाई वाई का प्राइमर अप्लाई किया था पूरे फेस पे अपने पोज को ब्लर करने के लिए एंड मेकअप के जब आप मेकअप करते हो अपने कैनवास को जैसे क्रिएट करते हो ना अपने फेस को वैसे ही करना सेम अपने फेस पर आपको प्राइमर लगाना है एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना अपने हाथ से या फिर आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो ओके फिर उसके बाद मैंने स्टेक कुकर का फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड साथ में मैंने यहाँ पे इसमें मिक्स किया था का एल्यूमिनेटर बेस जो मेरा सिल्वर कलर का है सॉरी गोल्डन कलर का है वो दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी थी एंड मैं अपने फेस पे उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई किया था एंड उसके बाद मैं अपना कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ये मेरा ब्लू हेवन का कंसीलर है इस मेरा वैनिला शेड है और जितने भी शेड्स वगैरह हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ चेक जरूर कर लेना ओके इस वेनिला शेड है थोड़ा सा एक शेड लाइट मैंने ये ले लिया है बट ये मेरे फेस पे चल जाता है अगर आप अपना कोई भी कंसीलर फाउंडेशन ले रहे हो अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना अपने सेड्स के अकॉर्डिंग लेना ओके बहुत सारे सेड्स मिलते हैं मार्केट में बट आपका जो स्किन टोन है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा फाउंडेशन बाय करना ओके नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर डिस्कलरेशन आपकी दिखने लगेगी आपके फेस पर अगर आप दूसरा फाउंडेशन ले लेते हो ओके यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ फेस पर आपको पुश करना है अंदर की तरफ यानी आपको ऐसे झाड़ के नहीं लगाना है अपने जहाँ पर अपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर आपको अंदर की तरफ पुश करना है ओके इससे क्या होगा आई का मेकअप करोगे वो भी अगर थोड़ा बहुत फॉलोअर्स वगैरह होते हैं तो वो भी आराम से निकल जाएंगे एंड जो भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट होता है ओके उसके बाद आई मेकअप की बारी आती है आई मेकअप मैंने सेम कंसीलर अप्लाई किया है अपने फेस पे सॉरी आई पे एंड उसे भी अच्छे से ब्लेंड करी हूँ पहले मैंने ब्रश से किया था एंड मैं इसे ब्लेंडर से कर रही हूँ क्योंकि आई का पोर्शन बहुत ही नाजुक होता है तो आप एकदम जो सॉफ्ट वाला ब्लेंडर होता है उसे ही अप्लाई करना हिलारी रोड़ा का मैं यहाँ पर ले रही हूँ आई शेडो पैलेट ये मिनी आईलर शेडो पैलेट है बहुत ही बजट का है एंड बहुत ही अच्छा है सारे जितने भी शेड्स हैं बहुत ही डार्क है एंड लाइट दोनों मिल जाते हैं एंड स्वमर भी आपको फोर कलर मिल जाता है सो so, उसमें से लाइट पिंक मैं पिक कर रही हूँ एंड इसे मैं अपने क्रीज को बिल्ड कर चुकी हूँ एंड उसमें से मैं ले रही हूँ शिमर कलर ये बहुत ही प्यारा शिमर बेस्ड कलर है आप इसे कोरल भी कह सकते हो ऑरेंजेस भी कह सकते हो तो इसे मैं अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ नॉट क्रीज के ऊपर क्रीज पर मैंने पिंक शेड अप्लाई कर चुकी हूँ उसके लिए उसके बाद मैं इसे लिड पर अप्लाई कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से ब्रश से मत करना नहीं तो बहुत ज़्यादा झड़ जाता है नीचे की तरफ तो फिंगर से क्या होता है बिल्कुल आपके स्टिक हो जाता है आपके लिड पे ओके फिर से मैं अपने क्रीज को बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिमर ऊपर चला गया था तो उससे क्या होता है वो अच्छे से इरेज हो जाता है ओके फिर वाटर लाइन के पास मैं अपना सेम शेड को ही अप्लाई करी हूँ एंड उसी सेम पैलेट से मैं एक गोल्डन शेड पिक करी हूँ एंड मैं अपने आइज को हाईलाइट कर रही हूँ ओके हाईलाइट जरूर करना क्योंकि अगर आप कोई भी सिंपल सा लुक कर रहे हो अपने हाइस को हाईलाइट कर लोगे ना बहुत अच्छा लुक आता है सो so, मिस क्लियर का मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ एंड इससे मैंने बाय किया था आई थिंक दो साल पहले ढाई साल पहले और ये बहुत टाइम से मेरा साथ दे रहा है और बहुत अच्छा है ब्राउन शेड का होता है एंड ब्लैक शेड का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेचुरल अगर आपको दिखाना है अपने आईब्रोज को तो हमेशा ब्राउन ही पिक करना ओके okay? उसमें जो ब्रश एप्लीकेटर है उसे अच्छे से मैंने कॉम कर लिया इसलिए अच्छे से ब्लेंड हो जाता है नहीं तो आपका पेंसिल का निशान रह जाएगा सो आप जब भी आईब्रोज फिल करो एक बार ब्लेंड जरूर कर लेना ओके मैंने फॉल्स अप्लाई कर लिया अपने लाइस को कर्ल कर चुकी थी उसके बाद फॉल्स अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ले रही हूँ अपना पेन आईलाइनर इससे मैं अच्छा सा छोटा सा विंग बिल्कुल क्रिएट करूँगी ज़्यादा नहीं बिल्कुल छोटा सा विंग अप्लाई करी एंड मेरा जो लाइनर है वो थोड़ा सा बोल्ड रहेगा बिकॉज ये जो लुक है बहुत ही ज़्यादा इंडियन टाइप है ना तो मैं आई लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए ये लुक बिल्कुल बोल्ड एंड ग्लॉसी भी है आप मेरा आई मेकअप भी देखो बिल्कुल ग्लॉसी मतलब शाइन कर रहा है एंड सेकेंड जो मैं ओवरऑल लुक जो अप्लाई कर रही हो ना अपने फेस पे आज का जो लुक है मेरा बिल्कुल शाइनी एंड ब्राइट है ओके सो so, मैंने अपने आई के वाटर लाइन पर काजल लगाया है ब्लू हेवन का मेरा काजल है ब्लैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बस वन स्ट्रोक आपको करना है ज़्यादा नहीं इससे क्या होगा बिल्कुल थिन सी काजल आपकी वाटर लाइन पर अप्लाई होगी ओके ये देखिए मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है उसके बाद मैं क्या करी हूँ मैं अपने फेस पर जो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था उसे डस्ट ऑफ करी यानी आप उसको निकालियो जो भी है मेरा अंदर रह जाएगा फेस पर एंड वो बाकी जो ओवर हो जाता है ना वो हट जाता है। उसके बाद स्विस बेटी का मैं यहाँ पे प्राइन फाइन ले रही हूँ कॉम्पैक्ट उससे अपने पूरे फेस को अच्छे से मेकअप को सेट कर रही हूँ बिकॉज मेकअप जब भी आप करते हो फाउंडेशन के बाद तो अपना कॉम्पैक्ट जरूर लगाना इससे क्या होता है जो अभी आपके फेस पे स्वेट वगैरह आती है वो नहीं आती है वो आपका बिल्कुल फेस एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट सेट कर देता है आपके मेकअप को सो so, उसके बाद मैं अपना लिप बाम अप्लाई करी हूँ मैं ये पहले भी कर सकती थी बट जब कॉम्पैक्ट जब कंसीलर वगैरह अप्लाई करते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बाद में किया ओके यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलिन हाइपर कलर मस्करा ये कम मस्करा मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मस्करा बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना ये चिपक जाता है आपके रियल लैसेस में बट ये बहुत अच्छा है आपको आपके लैसेस को अच्छा वॉल्यूम देता है एंड स्ट्रेट करता है सो so, यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइट का कॉन्ट्रोल पैलेट अप्लाई किया है मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ नोज़ को कर रही हूँ एंड इस तरह से नोज को करना है ताकि आपका जो नोज़ है बिल्कुल शार्प दिखे बहुत लाइट कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ बिल्कुल लाइट सो so, इस का प्रो ब्लश एंड हाईलाइटर ले रही हूँ इसमें से मैं ये सिक्स शेड्स ब्लश मिलता है टू शेड्स हाईलाइटर मिल जाता है उसमें से लाइट शेड मैं चिक कर रही हूँ एंड मैं इसे अपने चेक पे अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल लाइट ज़्यादा नहीं जो मेरे आई के मेकअप के साथ बिल्कुल मैच करे मैं ऐसा ही ब्लश लगाना पसंद करती हूँ ठीक है ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया एंड ये शैम्पिन कलर को मैं एज अ हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इसे मैं अपने चेक बोन पे ब्रा बोन पे क्यूपिड्स पे नोज पे एंड फोरहेड पे भी थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ क्योंकि पूरा फेस अगर ग्लिटरी ग्लिटरी सॉरी शाइनिंग शाइनिंग लगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है सो so, उसके बाद ये पूरे फोरहेड पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी बिल्कुल लाइट बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगेगा ये देखिए मैं अपने ब्राबन को भी हाईलाइट कर रही हूँ इससे क्या होता है अपना ब्राबन पे लगाने का मतलब होता है आपके ब्राबन थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेंगे यानी हाइट उसका दिखता है थोड़ा सा ओके उसके बाद नोज़ को भी मैं अच्छे से करी हूँ एंड मैं वो क्या करी हूं? मैं अपना बिंदी अप्लाई करी हूँ क्योंकि मेरा आज दिल कर रहा था मैं ब्लैक बिंदी अप्लाई करूँ यहाँ पर मैं लैक में नाइन टू फाइव का लिप लाइनर ले रही हूँ एंड ये लिप लाइनर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है फॉर मी ये सिक्स हंड्रेड या फोर हंड्रेड के अंडर में आता है एंड ये मैं थ्री या फोर ईयर से अप्लाई करी हूँ एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रेड कलर बस मैं इसे आउटलाइन में अप्लाई करी हूँ लिप्स पे एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ हूरा ब्यूटी का लिपस्टिक इन द शेड मारून एंड इसका शेड आप देखो देखोगा बहुत बहुत ज़्यादा ही ग्लॉसी है एंड बहुत ही डार्क कलर है एक एक स्ट्रोक में ही आपके लिप्स को वो परफेक्टली ग्लॉसी बना देगा सो मैं इसे अप्लाई करी हूँ और ये लिपस्टिक मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है आई डोंट नो ये रियल वाला हूरा ब्यूटी का लिपस्टिक है या ड्यूप है आई डोंट नो जो भी है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो सुस्बीडी का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूं एंड ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है गैस सो so, आपको कैसा लग रहा है ये मेरा मेकअप लुक आप मुझे ज़रूर बताना एंड इसे मैं ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सोक कर लेती हूँ जो भी मेकअप आपका ऊपर नीचे होता है बिल्कुल मेकअप फिक्सर से, से सेट हो जाता है एंड ओवरऑल मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है आपको आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको तो ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है और हाँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड हाँ शेयर करना जरूरी होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है कल मिलती होगी अच्छी सी वीडियो के साथ then bye bye and take care guys and thanks for watching my video bye bye